डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल टू दिस चैनल। पिलामने मैट्रिक परीक्षा बहुत कम दिन रहिला, हमें समस्ते बहुत भलरे प्रिपेरेशन करिबा। जहां मु तुमको आगुर कहितली कि आज ठारु ग्रामर रो सबुदिने गुटी गुटी चैप्टर हमें कंप्लीट रिविजन करिबा, तो मु जहां कहूची तुम्हें समस्ते मन दे शुण। यही भली भाव में प्रतिदिन 6टा बेले ही वीडियो आसीबो, तुम्हें समस्ते मन दे देखिबो, वीडियो बहुत यूजफुल हेबो। वीडियो देखि सारी जमा भी लाइक कमेंट आउ निज फ्रेंड्स मान सहित शेयर करने को भूलो ना। आदि चैनल को फर्स्ट टाइम पे आसी तो निश्चय सब्सक्राइब करनी और पाखर थे बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर दियो। ठीक अच्छे, तो जहाँ कहे पे मन दे शुण। आम डिस्प्ले पर देखिपे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक अच्छे, यही चैप्टर रो फर्स्ट सेट 2A आम देखुचे जो थे तुम मॉडल क्वेश्चंस विथ आंसर्स। आम समस्ते देखुचे 15 क्वेश्चन, देख मु तुमको डिस्प्ले करदे पे 15 क्वेश्चन अच्छी तार आंसर मध्य देछि। ठीक अच्छे, एवं आंसर कौन पाई कि हेला को ऑप्शन ठीक हेला सब क्वेश्चन पे ताहा मध्य डिटेल्स एक्सप्लानेटोरी नोट्स रे लिखाई तुम्हें पढ़िबो इजिली बुझिपार। ठीक अच्छे समस्ते, मु कौन कह बुझिपार कि ना, तो किसी भी असुविधा हम ना, व्यस्त होवार किछि नाही। तुम्हें चाहिले आर PDF मध्य डाउनलोड करिपरिबो। ओके, डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे दउछि, PDF डाउनलोड करिपरिबो। एवं फर्स्ट आबे जो 15 क्वेश्चन देछि से 15 क्वेश्चन तार आंसर कौन पई हैला, को ऑप्शन ए काई हैला कि बी हैला कि सी कि डी काई के हैला, बहुत सुंदर भावर लिखा है तुम्हें इजिली बुझी पारिबो। ठीक अच्छे, तो ए सब क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट आंसर जानीगला परे किसी सिमिलर क्वेश्चन देछि जहाँ आम डिस्कसन करवा। प्रथम 15 क्वेश्चन डिस्कसन करार किसी आवश्यकता ना, तुम्हें फास्ट मनरू कर नोट डाउनलोड कर सारे। ठीक अच्छे, डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे दूसरी, तुम्हें निश्चित भाव में डाउनलोड कर नोट ए सब चैप्टर। ठीक अच्छे, तुम जो 7 चैप्टर अच्छे से 7 चैप्टर पाइपर। ओके, सो नोट निश्चित भाव में तुम्हें समस्ते डाउनलोड कर, बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छी तार आंसर अच्छी एंड जो डिस्कशन होने मन दे शुणा। ओके, वर्तमान जो मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर अच्छे 15 क्वेश्चन तार आंसर तुम्हें नोट डाउनलोड कर सारे मनरू कर, एवं आंसर कौन पाई है तुम आंसर केतोटी ठीक है केतोटी भूल है तुम्हें देखनीय एक्सप्लानेटोरी नोट्स को। ठीक अच्छे, वर्तमान आम कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहाँ देछि ताकु डिस्कशन करिबा। बुझौछि, प्रथम 15 क्वेश्चन तुम्हें जानिपारिबो। ओके, जेहेतु तुम्हार एक्सप्लेनेटरी नोट्स अच्छी, सो सेट 2 भी देखिबा, सिमिलर और पैरेलल क्वेश्चन फर प्रैक्टिस आम वर्तमान डिस्कशन करिबा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टमैन गेव मी ए पार्सल। पोस्टमैन मत गोटे पार्सल दे, द वर्ड मी इन दिस सेंटेन्स इज द डैश। इट जो मी अच्छे ये सेंटेन्स कौन, ए अच्छी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सी एडजंक्ट, डी कॉम्प्लीमेंट। आम पढ़ीचे ऑब्जेक्ट दुई प्रकार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आम ह्वाट पचारे जोटा आंसर मिले से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आउ हुम क्या पचार जो आंसर हम से हम आम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो मी आम पचार क्या पार्सल दे, बुझे हुम क्वेश्चन कले से यहाँ हम आम कौन ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आंसर हम ऑप्शन बी। ओके, आंसर मत तुम्हें देखिपर पाने अच्छी तुमको देखेबी, वेट कर। नंबर 2, ही डज नॉट ड्रिंक टी, ही डज नॉट ड्रिंक कॉफी। दिज टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड बाय यूजिंग डैश। देखो, ही डज नॉट ड्रिंक टी एटा गोटे नेगेटिव सेंटेंस नॉट बसी, ही डज नॉट ड्रिंक कॉफी एटा मध्य गोटे नेगेटिव सेंटेंस जेहेतु नॉट बसी, सो नेगेटिव सेंटेंस को आम कंबाइन करवा को रिलेटिव कंजक्शन बा को रिलेटिव नाइदर नर यूज करके। सो ऑप्शन बी नाइदर नर हूँ करेक्ट आंसर। बुझी कले कंबाइन कले आम आंसर हो ड्रिंक्स नाइदर टी नर कॉफी। बुझी वीडियो लॉन्ग हेले इम्पोर्टेंट गोटे चैप्टर टाइप्स ऑफ सेंटेंस आम वीडियो रिविजन करवा। ठीक अच्छे, भेरी इम्पोर्टेंट, लास्ट पर्यंत देख जमा भी स्किप करो ना, जहाँ भी डाउट थी क्लीयर हो। नंबर 3, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड सक्सीड इन द एग्जामिनेशंस।
students who work hard succeed in the examinations. Which is the main clause in this sentence? इतने main clause किए? चार्टी option देखी पा रुचो? कोटा main clause. अमें पढ़ीचे जदि subordinating clause है इतिबो ताले तापुर बुरो गुटे subordinate conjunction बसी थी बो ताले डे subordinating clause किए ना who work hard. तो आउ जा रहिला students succeed in the examinations. एटा ही आमर होची main clause. So एटा अच्छी option C रे. सो तीन नंबर आंसर ऑप्शन सी टा ही ठीक कौन पे हैला बुझा पड़ला यदि बुझी पारु ना तळे कमेंट रे लिखबो ओके नंबर 4 ए सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ इट हैज डैश गुटे सेंटेंस को हमें सेती बेले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहिबा जेते बेले एहर कोन थिबो ए वन और मोर देन वन सबनेट क्लॉजेस गुटे किबा अधिक सबनेट क्लॉज थिबो टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस दुईटी किबा ताट अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज थिबो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज गोटे स्वाधीन वाक्य थिबो बा खंड वाक्य थिबो वन सबऑर्डिनेट क्लॉज किबा गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज थिबो तले हम पढ़ी छे वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ठीक अछि टी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन सो मन रखिबा किछ व्यस्त बार नै वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एटा फंडामेंटल क्वेश्चन परीक्षा रे ए टाइप रे क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत कम अछि तथापि हमें मन रखिबा नंबर 4 बुझियला जो सेंटेंस रे गुटे कि मता अट अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज थाए ता से तो मेन क्लॉज भी थाए तक हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहू बा जटिल वाक्य बोले कहू ओडिया रे पढ़ी छे नंबर 5 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आइ थ्रू कोटा गुटे इंटरोगेटिव सेंटेंस नुहे हमें पढ़ी छे इंटरोगेटिव सेंटेंस ठीक अछि सो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम इजीली एम्ती मध्ये करि परिबा कही परिबा कि जो सेंटेंस रे क्वेश्चन मार्क नथिबो क्वेश्चन मार्क थिले सेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नचक वाक्य देखो फर्स्ट सेंटेंस आ अछि व्हाट एन एक्सीलेंट सिंगर सी इज एटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस काहे कि ना लास्ट रे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क अछि बाकी बी सी डी रे लास्ट रे हमरो क्वेश्चन मार्क अछि बा मार्क ऑफ इंटरोगेशन अछि सो बी सी डी हमरो इंटरोगेटिव सेंटेंस एटा इंटरोगेटिव नहो क्वेश्चन पचारि छि इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस सो पांच नंबर ऑप्शन ए ओके नंबर 6 हैव ए स्मूथ जर्नी दिस इज डैश सेंटेंस हमें जानी पारु छे हैव ए स्मूथ जर्नी एटा गुटे विश करा हो छी सो एटा हो छी गुटे इंपरेटिव सेंटेंस कोन एक्सप्रेस करा हमें आगुरु पढ़ी छे ठीक अछि पूर्वरु जे ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन विश ए भली को एक्सप्रेस करे सो एटा गुटे इंपरेटिव सेंटेंस ऑप्शन सी हो छी राइट आंसर नंबर 7 ए डैश सेंटेंस हैज ओनली वन मेन क्लॉज एंड नो अदर क्लॉजेस को सेंटेंस रो गुटी ही क्लॉज थिबो मेन क्लॉज आ किसी क्लॉज नथिबो वेरी सिंपल वन क्लॉज माने सिंपल सेंटेंस सात नंबर ऑप्शन ए तो आंसर सब ठीक अछि ना वेरी गुड नंबर 8 हैव ए स्मूथ जर्नी दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस डैश हैव ए स्मूथ जर्नी ए सेंटेंस टा कोन एक्सप्रेस करूछि एडवाइस रिक्वेस्ट प्रेयर विश हैव ए स्मूथ जर्नी टा कोन जानु छौ तुम यात्रा सुगम होउ तेणु यहाँ गोटे विश करा हुची जनक प्रति सो यहाँ हम डी विश आठ नंबर ऑप्शन डी ओके नंबर 9 द वेदर इज वेरी फाइन द वेदर इज वेरी फाइन द एक्सक्लामेटरी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज डैश इस सेंटेंस रा एक्सक्लामेटरी कौन हम द वेदर इज वेरी फाइन कौन हम व्हाट ए फाइन वेदर इट इज ना हाउ ए फाइन वेदर इट इज हाउ फाइन इज द वेदर हाउ फाइन द वेदर इज कौन पिला माने तो फास्ट गेस करो समझते यस सो आंसर हबो नंबर 9 कौन ना ऑप्शन डी ओके हाउ फाइन द वेदर इज बुझियो छी जदी आंसर तुमरो भूल थिबो ओएमआर आंसर शीट रे तले क्षमा करिवो काकि ना बहुत शीघ्र ये वीडियो प्रिपेयर करने योजना कराई सो यहाँ बोध भूल अच्छी नंबर 9 मो आंसर सीट रे तो समस्त मन रख नंबर 9 रो आंसर हम ऑप्शन डी कहीं ना जेहेतु देख द वेदर इज वेरी फाइन अच्छी सो हाउ फाइन फाइन गोटे आम एडजेक्टिव अच्छी सो हाउ फाइन तापर सब्जेक्ट बसला द वेदर भर्ब होची इज लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई वीडियो रे अति सुंदर भाव में एक्सप्लेन कराई सो हाउ फाइन द वेदर इज ऑप्शन डी होची राइट आंसर ओके भूल रे आंसर सी गोल रे बुलाई जाइछि सो तुम्हें ताको करेक्शन करिनबो नंबर 10 ही ट्राइड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड से बहुत चेष्टा करले
किंतु सफल हो पारे ना। सो किंतु आम लगेदे द टू सेंटेन्सेस क्यान भी कंबाइंड बाय यूजिंग बट। सो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। आम कोडेटिक कंजक्शन परीक्षा में पढ़ी पारे तेनाली समस्ते एग्जाम्पल बही अच्छे आ किसी एक्सट्रा एग्जाम्पल आम टेस्ट ऑफ प्रैक्टिस करके परीक्षा को जीवा। ओके नंबर 11 फाट ए ब्यूटीफुल नाइट इट इज। तो डिक्लेरेटिव फॉर्म कौन हम लिखाई देख ए द नाइट इज भेरी ब्यूटीफुल बी द नाइट इज ब्यूटीफुल इट इज ए भेरी ब्यूटीफुल नाइट डी इट इज ए ब्यूटीफुल नाइट। सो जेहेतु आमर इट इज सब्जेक्ट रोचे सो ऑप्शन सी टा ही राइट आंसर हम इट इज ए भेरी ब्यूटीफुल नाइट भेरी लगला से सीटा ही ठीक बुझिपार कि नहीं पाला मैंने इट इज ए भेरी ब्यूटीफुल नाइट इट इज ए ब्यूटीफुल नाइट ऑप्शन डी अच्छे कि हम ना जेहतु भेरी आड होती सो ऑप्शन सी इट इज ए भेरी ब्यूटीफुल नाइट 11 नंबर सी हो राइट आंसर। नंबर 12 आइदर यू लिव और आई विल। देख और बस कोऑर्डिनेट कंजक्शन आउ दुईट जाक क्लज आइदर यू लिव आउ आई विल दुईटा कौन आम कोऑर्डिनेट क्लज। सो यहाँ गोटे कौ सेंटेंस हम पचारि कम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल सबऑर्डिनेट। सो भेरी इजी क्वेश्चन आंसर हम कंपाउंड। नंबर 13 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन कौटा भितर गोटे डब्ल्यू एच क्वेश्चन ए हाउ आर यू बी डोंट यू वर्क हार्ड सी वुड हेल्प मी डी कैंट सी डू इट। देख बी सी आउ डी तीन टाक येस नो क्वेश्चन कहीं हेल्पिंग भर रु स्टार्ट किंतु हाउ डब्ल्यू एच वर्ड रु स्टार्ट ऑप्शन ए हाउ आर यू तुम्हें किपर अच्छ सो यहाँ गोटे डब्ल्यू एच क्वेश्चन आम पढ़ी डब्ल्यू एच क्वेश्चन जनरली स्टार्ट विथ ए डब्ल्यू एच वर्ड रु आरंभ हुए डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ओके सो ऑप्शन ए तेरह नंबर आंसर। ओके 14 सेंटेंसेस व्हिच आस्क क्वेश्चंस आर यूजुअली कॉल्ड डैश सेंटेंसेस जो सेंटेंस गुड़ाक क्वेश्चन पचारे आम कौ सेंटेंस कहचे भेरी इजी इंपरेटिव ना इंटरोगेटिव ना डिक्लेरेटिव ना एक्सक्लामेटोरी भेरी इजी सो आंसर हम इंटरोगेटिव ऑप्शन बी। 15 हि लुक्स ओरीड आर पैटर्न हि लुक्स ओरीड देख हि है सब्जेक्ट लुक्स हूँ भर्ब भी आउ ओरीड ये आम कम्प्लीमेंट हम कहीं हि लुक्स लुक् भर्ब पर बसी ओरीड यहाँ गोटे कंपलसरी पार्ट ओरीड काटिदेले आम सेन्टेन्सटा इनकम्प्लीट हो ग्रामाटिकाली एरर लगे। सो ये हम कम्प्लीमेंट सो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। सो देख ओएमआर सीट दिखाई सीरीज सेट टू बी टाइप्स ऑफ सेंटेंस तुम कही नौ नंबर आंसर डी लिख सी भूल कराई बाकी तो सब ठीक अच्छे मैच कर जी कि भूल थाए तुम देख मुझे आंसर। ओके से भाई आउ गोटे सिमिलार पारलाल क्वेश्चन तुम देट टू सी एटा तुम्हें निजे मनुर कर ठीक अच्छे मुझे डिस्कसन करी ना यार आंसर मुझे एंड जी कि क्वेश्चन तुम डाउट थाए तो निश्चित भाव मतलब कमेंट कर ठीक अच्छे। टर्न टू पेज 25 इन योर ग्रामर बुक ये कौन एक्सप्रेस करुच्ची एडवाइस सजेसन इनस्ट्रक्शन अर्डर हम जाचे पढ़ीचे पढ़ी देखिकना करपर कि सब आंसर तुम्हें मन रख से भाई 15 क्वेश्चन अच्छी जदि किसी असुविधा रोचे वीडियो देख नोट डाउनलोड कर किसी भी असुविधा ना निश्चित भाव में सब क्वेश्चन तुमको आसब डोंट वरी यही क्वेश्चन तुम मैट्रिक परीक्षा आसब। सो 15 क्वेश्चन तुम्हें देखिपार नोट डाउनलोड कर पाने नोट्र लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाई किसी असुविधा हे ना नोट डाउनलोड कले तुम्हें ये फाइल टी पाइज जो थे सबू चैप्टर किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छी सतट जाक ग्रामर चैप्टर ता सहित ए लेटर टू गॉड रही अच्छी आर ओएमआरसी ट्रांसफर दिखाई तो पीडीएफ तुम्हें डाउनलोड करनी। नेक्स्ट आम सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट चैप्टर देखा वीडियो किसी रिविजन करवा किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ओके आज आम 45 क्वेश्चन डिस्कशन कले। ओके मुझे भावुची तुम सब ठीक थी सब तुमको आसब किसी भी असुविधा ना। ओके सो पे तुम्हें आंसर डिस्कशन करदे समय डेरी हो पछे। सो देख टर्न टू पेज 25 इन योर ग्रामर बुक यहाँ कौन एक्सप्रेस करुच्चे एडवाइस सजेसन इनस्ट्रक्शन अर्डर जेहतु यहाँ गोटे इनस्ट्रक्शन दिया सूचना दिया तुम ग्रामर बहर 25 नंबर पृष्ठा बाहर कर। सो यहाँ हम इनस्ट्रक्शन 1 नंबर सी पढ़ी मन रखा द क्यूरियोसिटी व्हिच आई फेल्ट अबाउट द गर्ल परसिस्टेड आदि सबऑर्डिनेट क्लज किए जानपर व्हिच आई फेल्ट अबाउट द गर्ल। ओके व्हिच आई फेल्ट अबाउट द गर्ल सो यहाँ हम ऑप्शन डी। ओके बुझे व्हिच लगी सबऑर्डिनेट कंजक्शन सो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लज हम द बुक हाज मेड द ऑथर फेमस वेरी इंपोर्टेंट द पैटर्न कौन आर पचार एस बी ओ एस बी सी एस बी ओ सी एस बी ओ
देख द बुक है सब्जेक्ट हाज मेड हूँ भर्ब द अथर हूँ ऑब्जेक्ट एंड फेमस हूँ कॉम्प्लीमेंट सो आंसर हम ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट हूँ कंपलसरी पार्ट जानपर ना नहीं नंबर फोर वर्क हर्ट यू विल फेल दिस टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड बाय कठिन परिश्रम कर नहले फेल हो नचेत सो आंसर हम ऑर एल्स ऑप्शन बी चार नंबर हम ऑप्शन बी इन ए डैश सेंटेंस द प्रेडिकेट इज ए स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट सब्जेक्ट विषय कहे कौ सेंटेंस रे इंपरेटिव ना डिक्लेरेटिव ना एक्सक्लेमेटरी ना इंटरोगेटिव यस तुम जहाँ भाव ठीक भाव आंसर हम डिक्लेरेटिव ऑप्शन बी नंबर सिक्स द बॉय इज वेरी हेल्दी ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी दिज टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड बाय यूजिंग डैश एटा दुईटी जगह वाक्य कौन जोड़ी हे देख सो आंसर हम नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो द बॉय इज नॉट ओनली वेरी हेल्दी बट ऑल्सो वेरी हैप्पी बुझे केवल एतिक नुह आहरी नंबर सेवेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ए क्वेश्चन आदि कौटा गोटे क्वेश्चन नुह ए व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज बी व्हाट इज द फ्लावर लाइक सी इज इट ए ब्यूटीफुल फ्लावर डी व्हिच फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ए क्वेश्चन क्वेश्चन कौटा नुह वेरी इजी ऑप्शन ए यहाँ गोटे क्वेश्चन नुह ये गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क अच्छी व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज के सुंदर फुल यहाँ बुझे तो आंसर हम सात नंबर ए आउ तीन टाक बी सी डी हूँ आम क्वेश्चन एट सी हाज पुट ऑन ए वेरी कॉस्टली नेकलेस देख ये वेरी कॉस्टली नेकलेस अच्छी डिग्री वार्ड सो ये बस व्हाट कहीं नेकलेसटा नाउन अच्छे गोटे नाउन फ्रेज व्हाट ए कॉस्टली नेकलेस सी हाज पुट ऑन ऑप्शन सी बुझे आठ नंबर ऑप्शन सी व्हाट ए कॉस्टली नेकलेस बसला व्हाट बसला ए कॉस्टली नेकलेस बसला भेरी उठला सब्जेक्ट बसला सी भर बसला हाज पुट ऑन एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई सो ऑप्शन सी हो राइट आंसर आठ नंबर पर नंबर नाइन ए सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस इफ इट हाज डैश गोटे सेंटेंस को आम कंपाउंड सेंटेंस कहींपर जो यार थी कौन ए ए वन सबॉर्डिनेट क्लॉज बी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज सी वन और मोर देन वन सबॉर्डिनेट क्लॉजेस डी टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कंपाउंड के यस ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर टू और मोर दुईट तुम अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज थी ता गोटे मेन क्लॉज होती है आ गए कोऑर्डिनेट क्लॉज होती ओके सो आंसर हम ऑप्शन डी नंबर टेन द टीचर टॉट अस इंग्लिश द वर्ड इंग्लिश इन द सेंटेंस इज द डैश शिक्षक आमको इंग्राजी पढ़ेले तो इंग्लिश ये हम कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पचार व्हाट कौन पढ़े व्हाट डिड द टीचर टीच अस आंसर हम इंग्लिश सो यहाँ गोटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस्टा कौन ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके सो दस नंबर आंसर बी द स्टोरी अपीयर्स वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज ए डैश सेंटेंस द स्टोरी अपीयर्स वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ गोटे कौ सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप दिखाई ओके द स्टोरी हूँ सब्जेक्ट से गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ए डैश सेंटेंस हाज ओनली हाज वन और मोर देन वन सबॉर्डिनेट क्लॉजेस कौ सेंटेंस गोटे कि तार अधिक सबॉर्डिनेट क्लॉज थाए सो यहाँ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव आंसर हम कॉम्प्लेक्स टेल मी व्हेयर यू व्हेयर बोर्न दिस इज ए डैश सेंटेंस देख टेल मी गोटे क्लॉज मेन क्लॉज व्हेयर बस सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज सो सबॉर्डिनेट कंजक्शन व्हेयर तेनालीरु गोटे सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज तो गोटे मेन क्लॉज आ गोटे सबॉर्डिनेट क्लॉज अच्छी तेनालीरु गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज द डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज डैश आर डिक्लेरेटिव फॉर्म जानी ओके सो आंसर हम ऑप्शन सी सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल ओके बुझे सब्जेक्ट सी वर्ब हूँ इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल कौन अच्छी नंबर फिफ्टीन व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज नेगेटिव सेंटेंस कोटा को नेगेटिव कर पारा ना एक्सक्लेमेटरी के मन रखा ओके ये पंद्रह टी क्वेश्चन आंसर मध्य सो आम ये वीडियो रे 45 क्वेश्चन डिस्कशन कले प्रथम जो क्वेश्चन अच्छे तार आंसर तुम्हें एक्सप्लानेटोरी नोट्स एक्सप्लानेटोरी नोट्स पाई सो से सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट समस्त वीडियो देखिलो निश्चित भाव भल लगे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पुणी न्यू चैप्टर सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट रिविजन हम से वीडियो तुम्हें देखिबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू कीप वाचिंग माय चैनल टेक केयर आ हाँ पिला माने डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी नोट डाउनलोड करने आदम भूलना नहीं।